हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो का। जिस स्टॉक का आज हमें एनालाइज करना है, इस स्टॉक का नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक। इस स्टॉक में गाइस हमको 1380 के लेवल से लेकर गाइस 1300 के बीच में गाइस स्टॉक में कई वीक से लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी। फाइनली गाइस हमको फ्राइडे को इस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद गाइस स्टॉक में हमको 1530 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिले हैं, और जिसके चलते गाइस स्टॉक में हमको 10% से ज्यादा रैली देखने को मिली है। और इसके वॉल्यूम में भी गाइस हमको फ्राइडे को भारी भरकम उछाल देखने को मिली है। और इसके साथ स्टॉक ने 1540 का न्यू हाई रिकॉर्ड किया है और स्टॉक एक बार फिर से रेडी हो चुका है गाइस ऊपर में बहुत ही शानदार मूव देने के लिए। और स्टॉक के चार्ट में गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज है कि गाइस स्टॉक में जब से लिस्टिंग हुई है 5 मंथ में गाइस स्टॉक में हमको 70% से ज्यादा के रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। अभी भी गाइस इस स्टॉक में तेजी बरकरार है। तो चलिए बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं, देखते हैं हमारा लेवल कौन सा रहेंगे, कहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को गाइस अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं गाइस, स्टॉक में इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल से लेकर गाइस और इसके हाई गाइस जहां पर ब्रेकआउट मिलता है वहां तक देखें तो गाइस हमें स्टॉक में 16% के रिटर्न मिल रहे हैं। और गाइस नेक्स्ट भी हमको आगे भी इसी तरह से 16% के रिटर्न मिल चुके हैं और स्टॉक में गाइस हमें फिर से ब्रेकआउट मिला है और गाइस स्टॉक एक बार फिर से रेडी हो चुका है 16% के रिटर्न ऊपर में देने के लिए। ऊपर में जो हमको टारगेट्स देखने को मिलेंगे गाइस हमें 1630 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन गाइस स्टॉक में हमको आधी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। स्टॉक इस समय जो है 1480 रुपीज के लेवल पर ट्रेड कर रहा है यानी, लेकिन गाइस स्टॉक आधे टारगेट को हिट कर चुका है। गाइस आधे टारगेट हमारे अभी पेंडिंग है और स्टॉक जो अभी ट्रेड कर रहा है गाइस 1480 रुपीज के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से लेकर गाइस इसके हाई तक हम देखे तो इसमें हमें अभी 10% के टारगेट ऊपर में देखने को मिलने वाले हैं। और डाउन साइड में अपने स्टॉक लॉस की बात करता हूँ, स्टॉक लॉस हमारा 3% का रहेगा जो कि 1430 रुपीज का लेवल है। तो गाइस स्टॉक में छोटा सा ऐसा लगाकर 1430 रुपीज का स्टॉक में 1550 और गाइस 1630 रुपीज तक के लेवल के लिए गाइस शॉर्ट टर्म में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप आज की हमारी एनालिसिस जो है पसंद आई होगी। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।